हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आप कहेंगे मैं हर रोज आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देने आ जाता हूँ, तो एक्चुअल में मेरा मेन मोटिव क्या आपको इन्फॉर्मेशन देने का, वो यही है कि जो आपका सीबीएसई का रिजल्ट है उसके डिले का कारण आपको बता रहा हूँ कि डिले क्यों हो रहा है। अदरवाइज एवरीथिंग इज प्रिपेयर्ड। अब उसका डिले का रीजन क्या है कि सीबीएसई ने आज ही स्कूल्स में एक सर्कुलर भेजा है और उस सर्कुलर में स्पेसिफिकली ये बोला गया है कि आप सभी बच्चों को, इनफैक्ट स्कूल अथॉरिटीज को बोला है कि आप सभी बच्चों को जो क्लास 10th और 12th में हैं, उनको उनका बोर्ड का रोल नंबर और उनकी जो स्कूल का एफिलिएशन कोड है वो बता दे, क्योंकि जब आप सीबीएसई की साइट पे अपना रिजल्ट देखने के लिए जाएंगे तो आपको इन दोनों चीजों की तो जरूरत पड़ेगी। साथ में आपको आपके डिजी लॉकर का पिन भी दिया गया। वो पिन किस लिए दिया गया कि जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा क्लास 12th का, तो आपको अपनी जो डीएमसी बाद में अगर कहीं किसी पर्पज के लिए यूज करनी होगी, क्योंकि देखो जो सीबीएसई की साइट से या सीबीएसई की तरफ से जो डीएमसी आती है उसको 15 से 20 दिन का वक्त लग जाता है रिजल्ट के डिक्लेरेशन के बाद। लेकिन ये वो टाइम है जब बहुत सारे बच्चों को कहीं ना कहीं कॉलेजेस में अप्लाई करना होता है और वो वहां पर आपसे एक इसके डिटेल मार्क्स कार्ड की कॉपी मांग लेते हैं, तो कई बार ऐसी कॉपी आपको वहां सेंड करनी होती है। वैसे लास्ट ईयर मैंने देखा था बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आई थी कि उनको ये सुनने में मिला कि ये कॉपी जो है वैलिड नहीं है, बट फिर भी ये जो आपके डिटेल मार्क्स कार्ड की कॉपी है ये आपके पास सेफ भी रहेगी, बाद में भी कभी अगर आपको इसका प्रिंट आउट लेना है आप ले सकते हो अपने कहीं ना कहीं किसी पर्पस के लिए। लेकिन जो सीबीएसई की साइट से आपको मिलने वाली है डिटेल मार्क्स कार्ड की जो कॉपी, वो 15 से 20 दिन के बाद मिलती है और उसी के साथ आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपका आ जाता है। तो बेसिकली आज के वीडियो का मेन मोटिव क्या है कि ये रीजन है जिसकी वजह से आपका रिजल्ट थोड़ा सा और डिले चल रहा है, अदरवाइज कोई रीजन नहीं है। जैसे मेरे पास जो है मैसेजेस आए कि नहीं अभी आराम करो रिजल्ट आ जाएगा, तो आई नीड टू से कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आराम करो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। तो मैं तो यही कहूंगा, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। और अगर फिर भी इसके रिगार्डिंग मींस रिजल्ट के रिगार्डिंग आपके मन में कोई डाउट है तो आप उसे पूछ सकते हैं। वैसे सीबीएसई की जो वेबसाइट है वो आपके cbse.nic.in पे आपको जाना है और वहां पर आपको परिणाम जो रिजल्ट वाला कॉलम है उसको उसके क्लिक करते ही आपको वहां ऑप्शन आ जाएगा, स्कूल की एफिलिएशन कोड का ऑप्शन भी आएगा। वो आपसे पूछेंगे कि आपको एफिलिएशन कोड जो है क्या है, वो जैसे ही आप अपना बोर्ड का रोल नंबर और एफिलिएशन कोड डालेंगे तो आपका वो रिजल्ट वहां पर ओपन हो जाएगा। मे बी आपसे डेट ऑफ बर्थ का भी पूछें कि आपकी डेट ऑफ बर्थ डालें, क्योंकि देखो कॉलम है बाद में बनते जाएंगे, जो जो आपके एग्जैक्ट कॉलम होंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आपको पता लग जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड हैव वेरी नाइस डे।